नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाने की खिचड़ी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में तो ये बहुत ही आसान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं खिचड़ी बनाना। तो खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें मूँगफली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मूंगफली भी हमारी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी मूंगफलियों को अच्छे से निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़े से यहाँ पर हम करी पत्ते डालेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। मीडियम गैस पे हमें अच्छे से इनको पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। तो साबूदाने को हमें अच्छे से धो के साफ कर लिया है। इसमें से हमने सारा पानी अच्छे से निकाल दिया है। अब हमें सारे साबूदाने को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर साबूदाना भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे एक उबला हुआ आलू। तो आप यहाँ पे बिना उबले हुए आलू का भी यूज कर सकते हो। तो आलू डाल के हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हो नमक। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा संधा नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें मीडियम गैस पे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेना है। तो 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। ज़्यादा नहीं डालना है पानी हमें। इसमें आधा कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हमें ढक के इसे पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम चेक कर लेंगे कि साबूदाना हमारा अच्छे से पका है या नहीं। तो यहाँ पे हमें साबूदाने को अच्छे से चेक करेंगे। तो अभी थोड़ा कच्चा है साबूदाना, तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए हमें इसे और पका लेंगे ढक के। तो यहाँ पे हमें इसे ढक के मीडियम गैस पे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। तो साबूदाना भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो आपको खिचड़ी में हरा धनिया पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हरा धनिया के पत्ते डाले हैं। हरा धनिया डालने से खिचड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हरा धनिया को भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे 1 मिनट के लिए ढक के ऐसे छोड़ देंगे। तो 1 मिनट हो गए हैं इसे। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हमें बंद कर देना है। तो खिचड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है बनके। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे फ्राई की हुई मूंगफलियाँ हैं वो, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया था और ये हल्के हल्के ठंडे भी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। तो यहाँ पे गरम गरम में हमें नींबू का रस नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ही कड़वा लगेगा खाने में खिचड़ी हमारी। तो आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी खिचड़ी बनके तैयार हुई है। दिखने में भी ये कितनी अच्छी लग रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।